सो गाइस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या काम करना है कि हम इस मॉडल का है हमारा फोटो उसका सिंपली आपको बैकग्राउंड चेंज करके हमें बैकग्राउंड वो सेट करना है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से फोटो को शेयर कर देते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन में। आपको फोटो रूम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ अपने फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हमारा फोटो कटआउट भी हो गया। उसके बाद फ्रेंड हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम इसमें बैकग्राउंड सेटअप करें। तो बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लासिक लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर आपको ये सेकंड वाले पे टैप कर देना है। टैप करते ही आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि बैकग्राउंड का। तो सिंपली हम यहाँ पर बैकग्राउंड पर टैप करना है और यहाँ पर आपको रिप्लेस पर टैप करना है। तो यहाँ पर कलेक्शन दिया, आप यहाँ पर भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ पर से भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर से नहीं लगाएंगे, हम अपने माई अपने फ़ोटो से लगाएंगे अपने गैलरी से। यहाँ पर आपको माई फ़ोटो का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना अपने बैकग्राउंड का। तो फ्रेंड ये बैकग्राउंड हमारा आ गया और सेटअप भी हो गया। तो फ्रेंड इस बैकग्राउंड के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ आप यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है और आप चाहे तो बैकग्राउंड और अपने मॉडल को फोटो को आपको एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट हमारा हो गया था। सिंपली उसके बाद हमारा क्या स्टेप आता है कि हम फेस को स्मूथ करेंगे क्योंकि हमारे ये फेस को बहुत अच्छी लगे और फेस स्किन वाइट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देते हैं अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक में शेयर करते हैं। यहाँ से सिंपली शेयर कर देना आपको ऑटोडेस्क स्केचबुक में। और फ्रेंड जो मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो सिंपली आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, आपको सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल काम करेंगे अपने मॉडल का फेस क्लीन करेंगे और स्मूथ करेंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर आपको फ्री वाले टूल पे चले जाना है, आप सीधे लाइब्रेरी में चले जाऊँगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर आपको लास्ट से थर्ड वाला ये वाला टूल आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेटिंग में जाना है और सेटिंग फ्लो ऑप्शन 4 और 5 के बीच में रखनी है और साइज अपने फोटो के हिसाब से आप रख लेना। हम यहाँ पर स्मूथ कर लेते हैं, साइज थोड़ी कम करते हैं। हमारा यहाँ पर फेस स्मूथ हो गया, इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें एक PNG ऐड करेंगे बैग वाला। तो इसके लिए सिंपली आप ऊपर वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट वाले पे टैप करना है और अपने सीधे गैलरी में आप चले जाएंगे। मैं यहाँ से अपना PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस PNG के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको सिंपली यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इतना कर दे और यहाँ से डन कर देना है। सो फ्रेंड इसके बाद क्या स्टेप आता है आपको सीधा से, उसके बाद क्या करना है कि आपको फिर से लाइब्रेरी में चले जाना है। लाइब्रेरी में उसके बाद हम ऊपर स्लाइड करना है, ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपको ये इरेज वाला मिल जाएगा। सिंपली इसको सेटिंग में चले जाना है और रिमोट इरेज को आपको सिंपली कर देना है 10 तक, साइज थोड़ी कम कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा इरेज कर लेना है। बस इतना रखते हैं। उसके बाद क्या हमारा लास्ट और आखिरी स्टेप पता है, हम इस फोटो में कलर एडिटिंग डाले। तो कलर एडिटिंग डालने के लिए हमें इस फोटो को सिंपली यहाँ से शेयर करना पड़ेगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो हम यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर देते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड फोटो हमारा ओपन हो गया है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फोटो के लाइट और शेडो एडजस्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको लाइट पे क्लिक कर देना है। लाइट पे क्लिक करने के बाद हम नीचे स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक को थोड़ा बढ़ाएंगे, ब्लैक को हमने बढ़ा लिया। उसके बाद वाइट को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, शेडो भी थोड़ा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को थोड़ी कम करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम करेंगे और यहाँ से हम डन कर देंगे। यहाँ पर
सो फ्रेंड यहाँ पर हमारी लाइट और शेडो भी एडजस्ट हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलर एडिटिंग करेंगे। तो कलर एडिटिंग के लिए सिंपली हमको सिंपली आपको यहाँ पर कलर वाले पे टैप करना है। कलर वाले पे टैप करेंगे तो टेम्परेचर को थोड़ा माइनस करना है, वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाना है, इतना से बढ़ाते हैं। तो उसके बाद चले जाना है मिक्स कलर में। मिक्स में जाने के बाद फर्स्ट कलर हमारा रेड है, तो रेड को हम सेचुरेशन को थोड़ा लो करेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ऑरेंज कलर की लुमिनस को हम बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को थोड़ा हल्का सा माइनस करेंगे। उसके बाद येलो कलर में चले जाते हैं, येल्लो की सेचुरेशन को बढ़ाएंगे हल्की सी और लुमिनस व्यू को फुल्ली माइनस कर देंगे। उसके बाद ग्रीन कलर में चले जाते हैं, तो ग्रीन कलर की व्यू को आपको सिंपली माइनस कर देनी है, सेचुरेशन को भी थोड़ा हल्का सा बढ़ाना है। उसके बाद कायन कलर को व्यू को आपको बढ़ानी है, इतनी बढ़ा देनी है और सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ाना है। उसके बाद चले जाते हैं कान ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर की व्यू को माइनस करनी है, सेचुरेशन को थोड़ा हल्का सा बढ़ाना है, यहाँ से डन कर देना है। इतना काम यहाँ पर हो गया, कलर एडिटिंग भी हो गया। आखिरी और लास्ट स्टेप आता है हमारा फोटो में, ये इफेक्ट वाला आता है। तो सिंपल यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और इस क्लैरिटी को थोड़ी बढ़ानी है और विग्नेट को माइनस करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो बहुत ही ऑसम और क्रिएटिव फोटो हो गया हमारा कलर एडिटिंग के बाद। तो फ्रेंड ऐसे ही न्यू वीडियो में लाता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कॉमेंट करना मत भूलना।